तो ये है कुछ पहाड़ का सुबह का नज़ारा। पहाड़ में क्या होता है ना, ठंड के समय में क्या होता है, ठंड के समय में पहाड़ में सबसे ज़्यादा टास्क होता है सुबह उठना। तो मैं सुबह उठ के तैयार हो गया हूँ बिल्कुल एकदम से, और वहाँ से सूर्य देवता भी प्रकट हो गए हैं। इस पेड़ के पीछे निकलेंगे, हमारे यहाँ पहाड़ के पीछे निकलता है, उस पहाड़ के पीछे छुप जाता है। तो ऐसा कुछ रहता है जालों में। जालों में सबसे ज़्यादा टास्क है मॉर्निंग में उठ के नहाना। जैसे ही आप नहाने के लिए मतलब उठोगे ना मॉर्निंग में, तो क्या होगा कि आपने रात में जितना कपड़े पर पहनेंगे सब उतारोगे। और पहाड़ में क्या होता है कि मोस्टली क्या है कि सब लोग कैसे वॉशरूम है, वॉशरूम बिल्कुल एकदम बाहर रहता है मोस्टली सभी घरों में, ऐसा ही है। और जब पानी ऐसे वहाँ गर्म कर रहे हैं, ऐसे कोई ज़्यादा कोई रॉड वॉड नहीं लाता है, लकड़ी में ही पानी गर्म होता है। और नहाने के जो बाथरूम भी हैं वो भी घर से बाहर ही रहते हैं, मतलब बाहर की ओर रहते हैं। तो आराम आदमी जब नहाता है तो तब यहाँ पर ठंड का एहसास होता है। कुछ दिन आप यहाँ रहोगे तो आपकी बॉडी रहेगी फैमिलियर, तो फिर आपको ठंडा नहीं लगेगा। जैसे यहाँ जो लोग मतलब मम्मी पापा लोग जैसे रह रहे हैं तो उन लोग को ठंडा नहीं लग रहा है, मेरे को दो तीन मतलब जो परसों वरसों ठंडा लगा, लेकिन आज मेरे को भी ठंडा लगा। सुबह उठ को अपना मैंने पूरा ये पूरा आंगन साफ किए, दोनों आंगन झाड़ू लगा के दोनों आंगन साफ किए। तो उसके बाद क्या हुआ कि अपनी बॉडी में आ गई एनर्जी। फिर मैं दूध देने के लिए गया था, यहाँ इनके घर में हम लोग दूध देने जाते हैं, तो रास्ता से गोल घूम के जाता है, तो उसमें मतलब बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। तो हो गया, तो मॉर्निंग के करीब बजे हैं 8। तो आज हम लोग जा रहे हैं सामने, जो ऊपर आप देख रहे हैं इस पहाड़ का टॉप, तो इस पहाड़ के टॉप में माँ दूधनागरी का टेम्पल है। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं आज उधर। तो मेरा गांव का लड़का है तो वो अभी आ रहा है वहाँ से, वो मंदिर आएगा, यहाँ पर हमारा गांव का मंदिर है, तो उधर दर्शन करके फिर हम दोनों इकट्ठा निकल जाएंगे माँ दूधनागरी के दर्शन के लिए। तो आपको दिखाता हूँ वहाँ का रास्ता और दिखाऊँगा पूरा मंदिर। तो ऐसा कुछ है, ये है पूरा द्वाराहाट जहाँ मेरा गांव है, देहरी गांव, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है ये। मतलब पूरा अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का सबसे सेफ एरिया मेरे को लगता है, क्योंकि ये फैला है, चारों ओर से पहाड़ हैं इसमें, बीच में एक घाटी है। मतलब तो द्वाराहाट इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये सबका हाट था, मतलब हाट मतलब बाज़ार होता है। तो ये सबका पूरे जो इस एरिया में जितने गांव हैं सबका मतलब मेन मार्केट यही है। आज भी मतलब है, क्योंकि छोटी मोटी दुकानें खुल गई है, लेकिन किसी को बड़ा सामान खरीदना है तो लोग फिर भी द्वाराहाटी आते हैं खरीदने के लिए। तो चलते हैं आज और गांव से रास्ता देखेंगे माँ दूधनागरी के टेम्पल का ऊपर जाके। अभी हम लोग हैं करीब आपका 1450 मीटर हाइट है सी लेवल से, और हम लोग जाने वाले हैं करीब आपके 1700 मीटर। मंदिर की जो हाइट है 1700 मीटर है, तो उतनी दूर हम लोग अभी चलना थोड़ी था। तो यहाँ पर बनने वाला था हॉस्पिटल, कोई बोला कि वो प्रोग्राम रद्द हो गया है, कि मतलब जबकि इतना पूरा इन्होंने कंस्ट्रक्शन करके रखा, अब पता नहीं शायद बोल रहे हैं कि होटल बनेगा हॉस्पिटल की जगह पे, अब इट गॉड नोज क्या है। तो हम लोग जा रहे हैं पैदल, ऊपर है माँ दूधनागरी का मंदिर, ऊपर से आज क्लाउड्स भी आ गए हैं, तो हिमालयन व्यू तो वहाँ से दिखाई नहीं देगा, त्रिशूल पर्वत बहुत अच्छा दिखाई देता है। डब्बू भी आ गया है, डब्बू ने बहुत लंबी चौड़ी पूजा करी मंदिर में, तो यहाँ से हम लोग को पहले जाना पड़ेगा। हेलो गाइज बोलो, हेलो गाइज, हेलो गाइज, ये डब्बू राजा बोल रहे हैं, हेलो गाइज। तो यहाँ से हम लोग को पहले जाना पड़ेगा रोड तक, वहाँ गाड़ी खड़ी की, तो गाड़ी खड़ी फिर जाएंगे। करीब 14 किलोमीटर डिस्टेंस है, आधा घंटा करीब लगता है यहाँ से उस मंदिर, मतलब मंदिर के नीचे मंगली खान एक जगह है जो मतलब बेस एरिया है, जहाँ से स्टेयर स्टार्ट होती है मंदिर की, वहाँ तक हमको आधा घंटा लगेगा। फिर वहाँ से 15 या 20 मिनट मंदिर चलने में लगेंगे। तो ऐसा सुबह सुबह ठंड का नज़ारा है, लेकिन अभी ठंडा नहीं लग रहा है ना, आज ठंडा आज कम है, या तो फिर हम लोग को आदत उभर गई है ऐसा सोचता है। ऐसा कुछ रास्ता है, बहुत खूबसूरत रास्ता मंदिर का, ऐसा कुछ नज़ारा आपको देखने को मिलेगा जब आप मंदिर को आओगे। जंगल में थोड़ी आग लगी हुई है आजकल, क्योंकि बारिश हुई नहीं है, आज बादल आए हुए हैं, हो सकता है मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर बर्फ़ आ जाती थी सर्दियों के टाइम पे, लेकिन आज मतलब बर्फ बर्फ तो कहीं दूर दूर दिखाई नहीं दे रही है। ऊपर बादल हैं तो ऊपर से हिमालय व्यू भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये 14 किलोमीटर की डिस्टेंस है, आपको ये कवर करनी पड़ेगी 14 किलोमीटर की डिस्टेंस। तो आज कुछ मौसम है बहुत ज़बरदस्त, 14 किलोमीटर की जो डिस्टेंस थी उसमें हमने कवर कर लिया, 1 किलोमीटर बचा हुआ है मंदिर की डिस्टेंस। और यहाँ पर आके जो ठंड बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ओक ट्री है और मोरपंख के पेड़ हैं बहुत ज़्यादा, तो यहाँ आके मौसम ज़्यादा ठंड आता है। मे बी यहाँ कल तक स्नोफॉल हो जाए, क्योंकि सामने कुछ बादल बहुत अच्छे रंग से आए हुए हैं, उधर पांडेखोली है जहाँ पांडव लोगों ने अज्ञातवास अपना काटा था। तो हम लोग पहुँचने वाले हैं बिल्कुल बेस में, जहाँ पे माँ दूधनागरी का स्टेयर स्टार्ट।
स्टार्ट होता है, देखो यहाँ आगे 0 किलोमीटर है। यहाँ पर बहुत सारी शॉप हैं आपकी, वो वाली कौन सी वाली, ये प्रसाद साद वाली, तो आप प्रसाद वाली शॉप खींच सकते हैं यहीं से, अपना प्रसाद यहाँ से खींच सकते हैं। करनी है ट्रैकिंग तो माजवागी रूट्स ट्रैकिंग एंड कैंपिंग, एंजॉय द बेस्ट एडवेंचर इन द्वागी हिल्स। यहाँ पर ट्रैकिंग है, कैंपिंग है, कैंप फायर है, सनराइज है, सनसेट व्यू है, मूनलाइट डिनर है, पैनोरमिक व्यू फ्रॉम द्वागी हिल्स है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी क्योंकि यहाँ बहुत सारी बर्ड्स होती हैं। तो ये भाई लोगों का है, हमारे ये सुरेंद्र भाई हैं, ठीक है, इनके यहाँ प्रसाद की दुकान है, ऊपर में एक और दोस्त है। तो ये है आपका मंदिर का जो बेस, जहाँ से स्टेज स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जैसे ऑलमोस्ट होता है कि माता जी के साथ हनुमान जी की पूजा पहले होती है, तो यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है सबसे पहले स्टार्टिंग में। तो स्टार्ट होता है यहाँ पर गणेश जी के मंदिर से, जय गणेश महाराज। तो यहाँ से स्टेज स्टार्ट हो गई, महाराज जी तो यहाँ से करीब आपको 350 के अप्रॉक्स स्टेयर चढ़ के जाना पड़ेगा मंदिर के बिल्कुल टॉप पे। तो ऐसे मंदिर में पूरी घंटी लगी हुई है रास्ते रास्ते पर, ऐसे यहाँ पर शॉप भी रहती हैं प्रसाद साहब की, तो आपको प्रसाद लेने में कोई दिक्कत होगी नहीं। और बहुत सारे होटल्स भी हैं यहाँ पे, रिजॉर्ट भी हैं, तो आप वहाँ आके भी रुक सकते हैं। यहाँ पे डोनेशन वालों का नाम लिखा हुआ है, जैसे ये हरियाणा के हैं बरेली, ऐसे इन लोगों ने मतलब उस टाइम पे दिया था डोनेशन इन सीओं को बनाने के लिए। पहले यहाँ पे थोड़ा रास्ता पत्थर वाला था, बाद में ये पत्थर आया राजस्थान से और ये सीयाँ वापस बनी। तो पहले भी लोगों ने पैसा दिया था सीमेंटेड करने के लिए, फिर ये पहले इसके ऊपर ये ऊपर छत नहीं थी, छत बाद में बनी। फिर मंदिर में बहुत सारी घंटियाँ लोग दान देते हैं, उन घंटियों को गला के फिर ये बढ़िया बड़ी बड़ी घंटी बनाई गई मंदिर की। तो ऐसा कुछ है इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा बहुत। तो लेकिन क्या होता है कि सांस बहुत फूल जाती है क्योंकि हाइट भी अच्छी है, 1500 मीटर है सी लेवल से करीब। मंदिर की पूरी स्टेयर्स हमने चढ़ ली, उसके बाद देखिए कितनी खूबसूरती है मंदिर के चारों ओर। ये सारे ओक ट्री हैं और बुरास के पेड़ हैं, साथ में मोर पंख रहे हैं। हमारे क्षेत्र में मतलब ऊपर को आते आते ये सब नमी देने वाले पेड़ होते हैं जो ज़मीन को हमेशा नम रखते हैं। तो ज़मीन को नम रखते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर हमेशा मॉइस्चर बना रहता है, मॉइस्चर बना रहता है तो उससे क्या है मौसम बहुत ठंडा रहता है। तो इन्वायरमेंट यहाँ पर आके ऐसे ओक ट्री की वजह से चेंज आता है और ये बारिश के पानी को क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं और रिलीज करते हैं इंटरनल। तो इसलिए जो पहाड़ों में बहुत सारे स्रोत होते हैं पानी के, वो इन्हीं जलों से छन के पानी आता है और वो आर ओ वाले पानी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा मिनरल्स भरा होता है। साथ साथ में मिनरल्स के साथ साथ उसमें बहुत सारे पोषक तत्व आते हैं हमारे बॉडी के लिए और पानी को फिल्टराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ से मंदिर मेन मंदिर की स्टेज स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे पानी का टैंक लगा हुआ है हाथ पांव धोने के लिए और आपको अपने सारे सूज हैं वो यहीं उतारने हैं। यहाँ पे एक झूला भी लगा है जिसमें आके लोग झूला झूलते हैं ये, और यहाँ से नीचे द्वारहाट का जो पाकिस्तान ज़्यादा है अल्मोड़ा और रानीखेत वगैरह सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन आज थोड़े बादल हैं और हल्का हल्का कोहरा है तो इससे दिखाई नहीं दे रहा। तो अब चलते हैं मंदिर की ओर को, जूते उतारते हैं हाथ पांव धोते हैं। समय है ग्रीष्मकाल में मंदिर 5 से लेकर शाम के 7 बजे खुलता है और शीतकाल में यह 5 शाम के 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे, लेकिन मॉर्निंग का टाइम सेम है लेकिन शाम का टाइम थोड़ा बंद हो जाता है क्योंकि पहाड़ों में 5 बजे अंधेरा हो जाता है तो मंदिर उस वक्त क्लोज हो जाता है। तो आपको जब भी आना है तो 2 बजे से पहले आ जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। तो मंदिर के साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, जैसे यहाँ पर गुलदिता का मंदिर है। अभी हम लोग जब नीचे आएंगे तो हम यहाँ पूजा करते हुए नीचे को वापस आते हैं। तो पहले मेन मंदिर में पूजा होती है, फिर बाद में साथ में छोटे वाले मंदिरों में। तो मंदिरों में आप देखोगे नीचे स्टेयर से ये बड़ी बड़ी घंटियाँ लगी हुई हैं जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। यहाँ पर है
एक गुफा है यहाँ पे पांडेखोली में, उसका जो लिंक होगा वो आई बटन में आ रहा होगा, महातार बाबा की गुफा। तो ये महातार बाबा जी का तपस्थली है, उन्होंने यहाँ बैठ के तप किया था। तो उनकी जो गुफा है वो पांडेखोली के बिल्कुल बेस में है, एक गांव के ऊपर। तो उसमें भी करीब आपको 3.5 या 4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। तो साथ में यहाँ पर भैरव मंदिर है, ऊपर हनुमान जी का मंदिर है, ऊपर माँ दुर्गा माता का मंदिर है, फिर माँ द्वागी का मंदिर मेन ऊपर है, माँ द्वागी माता के मंदिर के बिल्कुल बाहर। तो ये मंदिर जो है वो त्रेता युग से बना हुआ मंदिर है, तो बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ आके सभी लोग की क्या है कि मनवांछित जो इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है। तो ये इसके लिए मतलब एक पीछे एक त्रेता युग की एक स्टोरी है कि पीछे बिल्कुल इस मंदिर के ठीक पीछे भरतकोट है, जहाँ भरत जी तपस्या कर रहे थे, और हनुमान जी जो चमोली के पास में ध्रुवांचल पर्वत है, वहाँ से ध्रुवांचल पर्वत संजीवनी वाला उठा के लेके जा रहे थे, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी। तो भरत जी ने उनको तीर मारा था, तो ध्रुवांचल पर्वत का एक हिस्सा यहाँ गिर गया था, जिसे माँ द्वागी के नाम से जाना जाता है। तो उस टाइम पे ये मंदिर बना हुआ है त्रेता युग से। तो इतना ये पुराना मंदिर है, यहाँ के आपकी सारी इच्छाएँ हैं पूरी होंगी। और यहाँ पे दशहरे के टाइम पे और नवरात्रि के टाइम पे बहुत बड़ा मतलब बहुत सारे कतार लगी रहती है भक्तों की, और करीब आपके 12 माह से मंदिर खुला रहता है, तो आप कभी आ सकते हैं। और यहाँ से मतलब जो इसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो काठगोदाम है, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से करीब आपके 150 किलोमीटर के अप्रोक्स है। जो सबसे नियरेस्ट रेलवे वो एयरपोर्ट है वो है पन्नगर एयरपोर्ट, या तो आप दिल्ली से भी जो डिस्टेंस है वो करीब आपके 350 या 400 किलोमीटर के बीच में इसकी पड़ेगी। और आपको डायरेक्ट हल्द्वानी से मॉर्निंग में 7 बजे इस मंदिर के बेस तक आपको डायरेक्ट एक बस आती है हल्द्वानी से दुनागरी तक, हल्द्वानी के रोड स्टेशन से दुनागरी तक आप डायरेक्ट उसमें बैठ के इस मंदिर में शाम के 4 बजे उतर सकते हैं। बिल्कुल पास में है ये भंडारा घर, जहाँ पर 12 मास आपको भंडारा मिलेगा मॉर्निंग में 8 से लेकर दिन के 2 बजे तक। उस श्रद्धा अनुसार आप भंडारे में जो भी मतलब आपको भंडारा मिलता है यहाँ पर, पूरी और सब्जी वगैरह मिलती है, तो उसके हिसाब से आप मतलब दान पात्र में दान भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, भंडारा लेना बहुत आवश्यक पड़ जाता है, क्योंकि माता जी के आप दर्शन करने आते हैं तो उसके बाद आपको भंडारा लेना बहुत मोस्ट होता है। तो यहाँ पर आके आप भंडारा ग्रहण करें, माता जी का प्रसाद लें, उसके बाद अपने गंतव्य को चले जाएँ, आपकी यात्रा हमेशा शुभ रहेगी। तो यह है माता द्वागरी का प्रसाद, पूरी और छोला। अगर आप ये सब्जी खाओगे ना तो आपको एक मतलब एक अलग टाइप का टेस्ट इसमें नज़र आएगा, क्योंकि पूरा सात्विक खाना है ये। तो ऐसे हमारे चाचा जी हैं, तो ये इनकी ड्यूटी है यहाँ पर सब लोग को प्रसाद देने की, जितने लोग भी आएंगे। तो ऐसे यहाँ पर दान पात्र रहता है, उस दान पात्र में आपको इस प्रसाद के अगेंस्ट में आपकी जो श्रद्धा हो उस हिसाब से आपको दान देना है। तो ये था कुछ ऐसा नज़ारा माँ द्वागरी का, और साथ साथ में यहाँ का व्यू आप देख ही रहे मेरे पीछे पीछे, बहुत प्यारे प्यारे क्लाउड्स आज आसमान में आए हुए हैं। मे भी 2-3 दिन में यहाँ बर्फ़बारी हो जाए। यहाँ थोड़ा सामने नीचे रिजॉर्ट हैं, इस साइड में बगीचा है सेब का, उधर सामने जहाँ पीक पे आप देख रहे हैं बहुत सारा क्लाउड है वो भरतकोट है, और साथ में ये सामने जो भाई खड़ा है इसके ऊपर टॉप में जो हमको पीक दिखाई दे रही है वह है पांडेखोली। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग सका, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।